दोस्तों, मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट अपकमिंग मोबाइल्स के बारे में। तो बात कर लेते हैं मोटो वन विजन के बारे में। ये जो मोबाइल है ये लॉन्च होगा 15 मई को, और क्या इसके स्पेसिफिकेशन होंगे, कैसा ये दिखने में होने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन, इसके प्राइस, क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये फ़ोन आपके यूजेज के अकॉर्डिंग आपके लाइक हो पाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत। तो चलिए नज़र डालते हैं इस फ़ोन के कुछ डिजाइन्स पे। इस फ़ोन के अंदर जो है हमें पंच होल डिजाइन देखने को मिलेगा, ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें मिलेगा, और रियर माउंट फिंगरप्रिंट हमें इसके अंदर मिलेगा। हाइब्रिड सिम स्लॉट होगा, यानी डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं होगा। हम एक सिम और एक मेमोरी कार्ड या फिर दो सिम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सिम और मेमोरी कार्ड, ड्यूअल सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर USB टाइप सी पोर्ट हमें मिल जाएगा, 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाएगा, ये सबसे ज़रूरी बात है। USB टाइप सी पोर्ट भी है और 3.5 mm हेडफोन जैक भी इस फ़ोन के अंदर हमें एक्सनोस का 9609 का जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलेगा, 4GB रैम इसके अंदर देखने को मिलेगा। यदि बात करें इसके रियर कैमरा सेटअप की, तो रियर कैमरा जो है वो ड्यूअल सेटअप का हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें जो 48 MP प्लस 5 MP का जो है अल्ट्रा वाइड सेंसर इसके अंदर मिल जाता है, प्लस ये आपका फ़ोन जो है वो 4K वीडियो आराम से रिकॉर्ड कर पाएगा। 25 MP का जो है फ्रंट सेल्फी कैमरा हमें मिल जाता है, पंच होल डिज़ाइन के साथ। इसके अंदर 6.3 इंच की हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। 3500 mAh की बैटरी इसके अंदर मिल जाती है। बैटरी वैसे थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज यदि देखते हैं क्या है, लेकिन इसके अंदर हमें मिल पाता है टर्बो फास्ट चार्जिंग जो है वो हमें मिल जाता है। और इस सभी स्पेसिफिकेशन के बाद यदि इस फ़ोन की प्राइस की बात करें, तो आप मेरे को गेस करके कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा क्या आप इस फ़ोन की प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस प्राइस रेंज के अंदर होने वाला है। ये फ़ोन के आप फोटो तो देख ही चुके हैं कैसा आपको ये फ़ोन दिखने में होने वाला है। पंच होल डिजाइन इस फ़ोन के अंदर हमें मिलेगा, और तो मैं आपको बता दूं इसकी जो है एंड्रॉयड 1 के साथ ही आने वाला है, और हमें इसके अंदर मिल पाएगी प्राइस जो इसकी रहेगी वो रहेगी भैया 23,500 रुपये। मेरे को लगता है कि ये फ़ोन थोड़ा सा ओवर प्राइज हो गया है इस स्पेसिफिकेशन के साथ। वैसे ठीक ठाक ही है, लेकिन हमें जो रियर में ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल पाता है, 4GB रैम ही इसके अंदर हमें मिल पाती है, 64GB जो है इसका स्टोरेज हमें मिल पाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट इसके अंदर मिल पाता है। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है ये प्राइस जो है इसकी ओवर प्राइस है, कि फ़ोन अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाता। बाकी आपका क्या ख्याल है वीडियो के बारे में, वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव यदि आपको वीडियो लगा तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।